ये आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर छह तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रविदास के मंदिर में मत्था टेकते हुए सुबह, पंजाब में उनकी रैली है पठानकोट में, यूपी में भी और उससे पहले उन्होंने यहाँ माथा टेका। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम वाराणसी में संत रविदास मंदिर दर्शन करने, राहुल गांधी कांग्रेस सांसद भी वहां जाने वाले हैं वाराणसी में, और जालंधर की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां अरविंद केजरीवाल को भी मंदिर में दर्शन करने हैं, और चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के सीएम मत्था टेकते हुए वाराणसी में है आज चन्नी, और वो वहां मत्था टेक रहे हैं संत रविदास के मंदिर में। आज देश रविदास जयंती मना रहा है, उनके लाखों अनुयायी देश भर में हैं, खासतौर पर पंजाब में उनके मानने वालों की तादाद लाखों में है। पंजाब का चुनाव 14 फरवरी से 20 फरवरी करना पड़ा क्योंकि वहां के वोटर्स आज वाराणसी में उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। आपको याद होगा कि चुनाव आयोग ने फिर इस तारीख को बदला था क्योंकि पंजाब की पॉलिटिकल पार्टीज और सीएम चन्नी ने गुजारिश की थी। संत रविदास की अगर बात करें तो 16वीं शताब्दी के ये संत, उन्होंने जाति प्रथा पर कड़ा प्रहार किया था और अपने उपदेशों में कर्म को प्राथमिकता दी थी, जाति प्रथा का उन्होंने विरोध किया था। लेकिन आज उनके मंदिर से जात पात को सियासी हवा देने की कोशिश क्या की जा रही है, सभी पॉलिटिकल पार्टियां वहां उनके बड़े बड़े दिग्गज नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खुद पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम चन्नी बनारस में आप देख रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी ने अभी आज अपनी चुनावी कैंपेन का आगाज करने से पहले वो पंजाब जाने वाले हैं पठानकोट में, उससे पहले वो भी संत रविदास के मंदिर में गए और कीर्तन में हिस्सा लिया। हमारे साथ मेरे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं, राजीव रंजन बैनपुरी से लाइव हैं, साथ ही विशाल एंग्रिश पंजाब से, और मनोज पांडे मेरे साथ इस वक्त वाराणसी से जुड़े हुए हैं। वाराणसी इस वक्त बेहद गर्म बना हुआ है, हॉट सीट जिसे कहा जाता है, क्योंकि सारी बड़े दिग्गज नेता जो हैं राजनीति के वो वहां पहुंचे हुए हैं। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के सीएम सुबह सुबह मत्था टेक चुके हैं संत रविदास के मंदिर में, और अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी आना है, योगी आदित्यनाथ भी जा चुके हैं आकर, ऐसा क्या अपडेट है वहां से और मनोज पांडे? जी देखिए, इस समय हम मौजूद हैं ये सीर जो गोवर्धन यहाँ पे मंदिर संत रविदास जी का है, ये इनकी जन्मस्थली है। देखिए यहाँ पंजाब के जो सीएम थे चरणजीत चन्नी ने वहाँ पे माथा टेका है, सुबह सुबह आए थे, और कुछ ही समय में यहाँ पे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे। उनको सुरक्षा को लेकर देखिये जो पुलिस के जवान है चारों तरफ सिक्योरिटी यहाँ पे व्यवस्था बढ़ा दिया गया है, और करीबन आपको बता दें कि 11 बजे जो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, और करीब 1 बजे करीब जो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह है उनका आगमन होगा, और उससे ज्यादा से ज्यादा बता दें कि करीबन लाखों की संख्या में जो पूरे देश से जो भक्त है, पंजाब से हो या उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से हो, हर जगह के लोगों का आने का सिलसिला यहां पे शुरू हो चुका है, और दिखाएंगे देखिए जो भक्त है सुबह से यहां पे करीबन लंबी कतारें यहां पे लगी हुई है, लोग यहां माथा टेकने के लिए पहुंच रहे हैं, और कहीं ना कहीं देखिए उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है उसके साथ साथ जो पंजाब का चुनाव होना है वाकई बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि देखिए बनारस एक ऐसा जगह है उत्तर प्रदेश के चुनाव का कि यहां पे जो भूमिका है कहीं ना कहीं यहां बनारस से तय होगा। लेकिन इसके साथ साथ हम यदि पंजाब की भी बात करें तो देखो पंजाब में जो चुनाव था कहीं ना कहीं इसके वजह से टाल दिया गया था। जो संत रविदास जी का मंदिर है वाकई यहां पे जो उनकी यहां पे जन्मस्थली है, लोग दूर दूर से पहुंच सकते हैं, किस तरह से जो भीड़ है, भीड़ नियंत्रण करने के लिए जो पुलिस प्रशासन है, पीएससी के जवान है लगातार यहां पे, हम कुछ लोगों से ही बात करते हैं कि कहां से आए हैं और कितने देर से खड़े हैं। दीदी आप कहां से आई हैं? बक्सर थाना से। बक्सर से आए हैं, कितने देर से आप खड़े हैं यहाँ? और ये तस्वीर आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ रविदास मंदिर में दर्शन करते हुए वाराणसी से, ये तस्वीर आप देख रहे हैं वाराणसी से सीधी तस्वीर। तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं वाराणसी से जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी रविदास जयंती के मौके पर रविदास मंदिर में पहुंचे हैं। 16वीं शताब्दी के संत रविदास, पंजाब में रविदासी समुदाय की अच्छी खासी तादाद है इस समुदाय से जुड़े लोगों की, और इतनी ज़्यादा मान्यता है कि चुनाव की तारीख को आगे करना पड़ा चुनाव आयोग को 14 फरवरी से 20 फरवरी, क्योंकि रविदास जयंती मनानी थी सबको और दर्शन करने के लिए पंजाब से लोग खासतौर से आते हैं, और पंजाब के सीएम भी इस वक्त वाराणसी में मौजूद हैं, सीएम चन्नी, और कांग्रेस के बड़े नेता राहुल और प्रियंका भी पहुँचने वाले हैं। पीएम ने भी अभी थोड़ी देर पहले दर्शन किए दिल्ली के रविदास मंदिर में, और ये वाराणसी में अब योगी आदित्यनाथ